हिम्मत रोके गेल हमारी कान्हैया बंसीधारी।
वेला अले वेला मेरी मटकी में मार गया वेला
ಮಹಾನುನಂದಿನಿಸಿರಿ ಲಾಲಲಿ ಯುಕಿ ಗೌರ ಪ್ರಮಾನಂದೇ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋ ಸಂತನ ಭಕ್ತನ್ ಕೀ ಬೋಲೋ ಆಲಿ ಆನಂದ ಕೀ ಭಕ್ತ ಬಾಲಾಜಿ ಸಾಥ ಮೇ ಆಯ ಹೇ ಬಡೆ ಅವಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹೇ ಐಸೆ ಸ್ಥಾನ ಐಸೆ ಸ್ಥಾನ ಕಾ ನಾಮ ಸಖರಿ ಗಲಿ ಹೇ ಸಾಖರಿ ಖೋಲ್ ಯಾ ಭಗವಾನ್ ಪುರಾತನ ಸಮಯ ಸೇ ಲೀಲಾ ಕರ ಚುಕೆ ಹೇ ಔರ್ ಅಬ್ಬಿ ಕರ್ತೇ ಹೇ ಯಾ ಭಾದ ಔಷಧಿ ತೇಜಸ್ ಕೋ ಮಟ್ಟಿ ಫೋರನ್ ಲೀಲಾ ಹೋತಿ ಹೇ ಕಹತೆ ಹೇ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಸನೇಹಿ ಏಕ ಪ್ರಾಣ ಮೋದೇಹಿ ಯಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವರೂಪ ಆಪೋ ದೇಖನೆ ಕೋ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ ಏಕಿ ಪರ್ವತ ಮೇ ದೋ ಭೇದ ಹೇ ಏಕ ತರಫ ಮೇ ಘೋರಾ ಹೇ ಏಕ ತರಫ ಮೇ ಕಾದಾ ಹೇ ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಲ ಪರ್ವತ ಹೇ ಇಸಿ ಮೇ ರಾಧಾಜಿ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಆಪೋ ಪಲ್ಲಿ ಸಾಡ್ ಮೇ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಾ ಹೇ ಯೇ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಹೇ ತೋ ಯಾ ಕಾ ಹೇ ಕಿ ಠಾಡಿ ರಹೋರಿ ಕ್ವಾಲನಿ ದೇ ಜಾವ್ ಹಮಾರೋ ದಾನ ದಾನ ಕಿ ಖಾತರಿಯಾ ಮುಝೆ ಆಯೇ ಛೋಡ್ ದಿಯೋ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮ तो भगवान कृष्ण यहाँ गौ चराने आते थे सखियों से रोक करके दान लिया है तब राधा रानी और सखिया कहती है कि दान दान कर राखे मोहन मैंने दद की किनकी और छाछ हमारी जो पीवे जो तेल करे सब दिन की इस प्रकार सखियों ने भगवान कृष्ण से कहा है तो भगवान ने अपने गोपियों से मटकी उठा करके यहाँ मटकी फोड़ लीला किया है बोलो मटकी फोड़ लीला की तो यहाँ सभी भक्त लोग अपना भगवान की कथा सुनेंगे महाराज जी कथा करेंगे और विस्तार से सुनाएंगे ये सकरी गली का अपना दान देते हुए अपने घेवर वन दानगढ़ मानगढ़ मूर्कुटी बिलासगढ़ होते हुए अपने राजा जी के महल पहुंचेंगे फिर पीली पोखर जाएंगे ऊंचा गांव जाएंगे और अपना यहाँ का परिक्रमा पूर्ण करेंगे बोलो राधा रानी की बोलो आज के आनंद की जय जय श्री राधे हरे कृष्णा गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग बृहद सानु परिक्रमा करते हुए जहाँ पर आए हुए हैं ये ब्रह्म पर्वत एवं विष्णु पर्वत के संगम स्थल है हम लोग जब भानुखर में थे श्री श्रीधर महाराज जी मुझे एक मंत्र सिखाया वो काल राधा माधव राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा विनोद सब दर्शन करके आए श्रीधर भाई सुबह बता रहे थे महाराज जी हमें सब कुछ समय के अंदर करना है तो कोई 5 मिनट से अधिक नहीं बोलेगा हम लिए तो आप ही समय लेते हैं बोले नहीं वो अपने फिलोसफी बदल दिया जब हम लोग 13 कदम में थे उधर के जो महंत बताइए सबसे लंबी समय लेते हैं महाराज बोले मैं कसम खा लिया लंबी कभी बोलूंगा ही नहीं जब भक्त के पास संख्या में कमरे में बहुत लंबी बोलूंगा ये महाराज जी ने मंत्र सिखाया और कसम खा लिया सबसे पहले मैं श्री तीर्थ भाई से अनुरोध करता हूँ इधर की लीला हमें स्मरण कराए से तीर्थ महाराज जी गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आज गुरु गौरांग की कृपा से जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यही है बरसाना का जो रंगली गली हो करके आए यही है साकरी खोर साकरी खोर का मतलब है संकरी गली खोर मत जाने छोटा रास्ता साकरी जो दोनों तरफ से पर्वत हैं और दोनों पर्वत के बीच में एक एक व्यक्ति जा सकते हैं इस प्रकार ये साकरी घोर है जो कि एक तरफ विष्णु पर्वत दूसरी और राधा पर्वत जो राधा पर्वत घोर वर्ण के उधर देखिए पीले रंग के पर्वत है और इधर में काले रंग के पर्वत है ये विष्णु पर्वत कहलाता है हाँ इधर सखा उधर सखिया अच्छा
अरे कोई किसी के पक्ष में है, अभी मरने के बाद में देखा जाएगा, पहले हल्ला मचाने से क्या होगा। वो राधा जी के ग्रुप है तो इधर सखाओं के ग्रुप है, और खाने पीने वाले लूटने वाले सब लोग देखिए सब बैठे हुए हैं। और क्या है यही सांकरी घोर, यहाँ पर नित्य प्रति श्याम सुंदर यहाँ आते सखाओं के साथ और रोज दिन दही दूध कुछ न कुछ लूटते ही रहते थे। तो यहाँ उधर से घूम करके जाए तो भाई कोई मिल रास्ता जाना पड़ेगा घूमने को, और ये एक एक व्यक्ति निकल जाए ऐसे ही ये सागरी खोर है जहाँ पर ब्रजवासी लोग आया जाया करते, ब्रज गोपियाँ दूध दही मक्खन इत्यादि लेकर इधर से ही चलती थी, इसलिए कृष्ण आकर के यहीं पर रोकते, नीचे वहीं पर खड़े रहते और जितने सखा लोग है यहाँ पर आते ही सबको पकड़ लेते, पकड़ के जबरदस्ती घड़ा तोड़ते फोड़ते और दूध दही मक्खन इत्यादि लूट कर खाया करते। तो ये लूटने का एक बहाना है, खाना कितना है थोड़ा सा और, तो ये एक लीला है जहाँ पर यह मटका फोड़ देते। तो रोज दिन गोपियों की कपड़ा खराब होता था तो कहा जाए क्या करें, एक दिन शिकायत की गोपियों ने राधा जी से शिकायत की, देखो राधे ये तुम्हारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर इतने नटखट हैं, इतने चलिया हैं, हम सबके बर्तन तोड़ते हैं मटका तोड़ देते हैं और हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं क्या करें, कपड़े भी सारा खराब होता है तो रोज दिन कहाँ से नए नए कपड़े लाए, एक बार कपड़ों में दूध गिरता है तो दाग लग जाता है और कपड़े खराब होते हैं, तो इस तरह से परेशान हम लोगों को, तो रोज दिन परेशानी कब तक झेलते रहे, कुछ व्यवस्था बनाओ। राधा जी बोली अच्छी बात है मैं इसकी व्यवस्था करूंगी, देखो कल तुम लोग ऐसे ही जाना जैसे रोज दिन जाया करती थी, उस समय जाने पर क्या होगा, जब तुम लोगों को पकड़ेंगे तब तुम जोर जोर से हल्ला मचा देना, हम लोग इधर उधर छिप करके रहेंगे, उस समय पता लग जाएगा फिर हम लोग पकड़ करके क्या करना होगा हम कर लेंगे। तो गोपियां चारों ओर से छिपी हुई है, जबकि इधर से निकलने लगे इतने में कृष्ण ने सखाओं के साथ यहीं पर घेर लिया और लूटना शुरू कर दिए। तब गोपियों ने जोर जोर से हल्ला मचाई, हल्ला मचाने पर जितनी गोपियां छिपी हुई थी ललिता विशाखा चित्रा चंपक लता आदि जो सखियां हैं और राधा जी की जो गोपियां मंजरियां हैं वे सब के सब बड़े स्मार्ट हैं और देखने में बड़ी सुंदरी हैं, उम्र में कोई ज्यादा नहीं है 12-14 साल की तो इतना ही होती है और बड़ी अच्छी बड़ी सुंदरी एक से एक खूबसूरत। बोले अच्छा, आकर के चारों ओर से घेर लिया, घेर करके बोले कि ए पकड़ो, सबको पकड़ लिए बोले कि बांधो, इन सब की चोटी ऊपर बांधना है, ऐसे बांधना पड़ा, बांध दिया कपड़ों से पेड़ों के साथ बांध दिए, डाली के साथ पकड़ करके बांध दिए और कृष्ण को पकड़ करके बोले कि ऐसे नहीं कपड़े उतारो, उतार करके जो पेटीकोट जो चुनरी और घाघरा है ब्रजवासी ड्रेस वही पहनाया, पहना करके सिर पर बीड़ा रख करके 1 2 3 4
चार पांच ऐसे घड़े रख दिए, रख करके राधा जी ने लठिया से ऐसे मार दिया, एक एक करके फोड़ दिए और सारा गिरता है। कृष्ण के सिर पर गिर रहा है, बोले कि आप करोगे ऐसा? रोज दिन तुम गोपियों को परेशान करते हो, बोलो अब कैसा लग रहा है? आनंद लग रहा है ना, बड़ी खुशी है। तो ऐसे करके राधा जी ने ये सबक सिखाया, तब से ये जो स्थान है यहाँ सांकरी खोर, यहाँ कृष्ण दान लेते गोपियों से दूध दही मक्खन लूटा करते थे, तो आज भी यहाँ प्रभात है, प्रभात भी ऐसे जल है जो कि नई गाय का दूध हो, दूध काट करके यहाँ पर डालते रहते हैं। पहला दूध जो होता है वो गाय का दूध यहाँ पर डालते हैं। तो ऐसे ही ये साकरी घोर जहाँ ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत दोनों मिले हुए हैं, बृहत सानो बृहत यानी ब्रह्मा जी, सानो यानी पर्वत बनकर के यहाँ पर अवस्थित है, जिनके ऊपर यहाँ राधा गोविंद की तरह तरह की लीलाएं हुई है। इसलिए दान गली, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, राधा कृष्ण की लीलाओं का जो बिलास तत्व है, कुंजे कलयन कैशोरम सफली करोति हरि, जहाँ पर कुंज कुंज में कृष्ण ने कैशोर वयस्क को सफल किया, राधा जी के साथ लीला माधुरी को प्रकाशित किया, और उन लीलाओं की जो चमत्कारिता है यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या है, चंद्र सरोवर मोर कोठी, जहाँ पर मोर मोरी बन करके दोनों ने नृत्य किया है, इसलिए वो मोर कोठी है। चंद्र सरोवर जहाँ पर कृष्ण ने रास रचाया गोपियों के साथ, बोले यहाँ छोटे से स्थान में कुछ गोपियों को जो राधा पक्षीय गोपियां हैं उन सब को लेकर के कुंज में क्रीड़ा विनोद किए, लीला विहार किए, इसलिए ऊपर में बिलासगढ़ माना जाता है राधा कृष्ण के लीला विलास। और जहाँ पर भौरे आ करके घूमते रहते हैं कुंज के अंदर चले जाते, कोई पुरुष या महिला कोई आए तो परेशानी होगी, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर भौरे बन करके अंदर घुस जाते हैं, गुनगुन करके उड़ते हुए राधा कृष्ण की क्या वार्ता हो रही है, कुंज में क्या लीला होती है, क्या क्या कथाएं होती है, वे सबको सुन लेते हैं। इसलिए सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनंदन सनातन आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि का भौरे बन करके मक्खियां बन करके अंदर घुस जाते हैं बड़े आराम से, स्टाफ रिपोर्टर बन करके सारा रिपोर्ट ले लेते हैं और सारे दुनिया में विकास कर देते हैं। तो ऐसे ही ये सभी लीला स्थली है, जहाँ पर हम आए पहले ये रंगली गली से, रंगली गली से हम लोग आए साकरी खोर। बोलो साकरी खोर की जय। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लभ बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरा स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बली के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभा उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और एक बार जोर करके बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अमरा गुरु वैष्णव दरे अनुगते श्रीधाम बरसाना परिक्रमा करते करते एक जे स्थान उपस्थित हुए छी ए स्थान नाम लो सांकरी खोर हमारा जे बन बन के हमारा परिक्रमा कर छी एर नाम लो गहवर बन गहवर बन माने की गहवर अर्थ लो गंभीर एक जने श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोल छे राधिका भाव गंभीर गंभीर की बोले राधा रानी रे भाव टा होलो गंभीर राधा रानी भाव टा होलो गंभीर बोले की रकम गंभीर एक जने हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती बोलचे बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम बोले जे राधा रानी चरण कमल ब्रह्मार जन्यो दुर्लभ हाँ ब्रह्मे माने ब्रह्मा एक जने कोई दिगे देखो ना जो पर्वत टी आछे ना ओय पर्वत टी होलो ब्रह्माचल पर्वत ब्रह्मा तिनि स्वयं एखाने एई पर्वत रूपे तिनि प्रकट होय छे बोले ब्रह्मा एखाने पर्वत रूपे केना प्रकट होय छे कारण की बोले कारण होलो जखन ब्रह्मा कृष्ण रे बाछुर आर सखा धरे के तिनि चुनि करे प्रथमे तो मन कर छले नि कोनो साधारण बालक हवे किंतु जखन तिनि देखे तिनि साधारण व्यक्ति नन तिनि देखले नि के बोले तिनि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम तिनी समस्त कारण रे तिनी कारण ए जने ब्रह्मा तिनी कृष्ण के प्रसन्न कराने जने अनेक चेष्टा करले ए जने तिनी बोल छे अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उकसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण तिनी साधारण नयन तिनी पूर्ण ब्रह्म तिनी सनातन तिनी তিনি যখন বুঝতে পারলেন তখন তিনি চিন্তা করছেন আমি এখন কি করে অপরাধ থেকে আমার মুক্ত হয় তখন ব্রহ্মা তিনি লাস্ট তিনি প্রার্থনা করছেন বলে তদ ভূরি ভাগ্যমিহ জন্মম কিম অটব্যাম গোকুল অপি কথমাঙ্গ্রি রজোভিষেকম ব্রহ্মা তিনি বলছেন আমার কি এই সৌভাগ্য হবে বলে কি সৌভাগ্য হবে কৃষ্ণ বলছেন বলো কি চাই আমার কি তুমি কোন সখা সখী হতে চাও বলে না না আমি এত সৌভাগ্য করিনি সখা সখী হতে পারবো বলে নতুবা এখানে কোন পশু পক্ষী হতে জন্ম না বলে না না বলে এখানে কোন কীড়া মকড়া হয়ে বলে গাছ বলা বলে না না বলে তবে কি বলে যদি আমি ব্রজের বাহিরে যে ছোট জাতিরা থাকে তাদের ঘরের সামনে যদি আমি পাথর জন্ম হয়ে নিতে জন্ম নিতে পারি তারা যদি আমার পাথর মনে করে যদি পাটাকে রগড়ায় না যদি তাদের চরণ ধুলিকে যদি আমি পেতে পারি তবে আমার জীবনকে আমি ধন্য ধন্য মনে করব এখানে বলছেন ব্রহ্মা তুমি হলে জগৎ তুমি হলে তিনি ব্রহ্মাকে জগৎকে তিনি সৃষ্টি করেন তুমি এত বড় হয়ে ওই ছোট জাতিদের তুমি এখানে চরণ ধুলি পেতে যাচ্ছে কেন তিনি বলছেন যত মুকুন্দম জীবনম বলে এদের জীবনটা কি বলে কৃষ্ণের যখন হাসে না ওই হাসটি হলো কুন্দ পুষ্পের মতো বলে কৃষ্ণের হাসিটি হলো তাদের জীবন আমি কি ওদের মতো সৌভাগ্য পেতে পারবো ওদের মতো সৌভাগ্য পাওয়া মানে ব্রজে বাহির যে ছোট জাতির লোক থাকে ব্রহ্মা বলছেন তাদের মতো সৌভাগ্য আমার হতে পারবে না যদি আমি পাথর রূপে জন্ম নিতে পারি তবে জীবন ধন্য হবে এই জন্য ব্রহ্মা তিনি এখানে দেখুন এই ব্রহ্মাচল পর্বত রূপে তিনি সেখানে জন্ম গ্রহণ করছেন স্বয়ং ব্রহ্মা এই জন্য শ্রী মানে চৈতন্য মহাপ্রভু চারটি হলো সম্প্রদায় মহারাজ এসব বিচার বলতেন চারটি হলো বৈষ্ণব সম্প্রদায় তিনি এই ব্রহ্ম মাধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে তিনি কেন স্বীকার করলেন আর তো তিনটি সম্প্রদায় ছিল গুরুদেব এই জন্য বললেন এই জন্য এই ব্রহ্মার মধ্যে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করছেন বরসানাতে কোথায় জন্ম নিয়েছেন বরসানাতে বরসানা মানে কি যেখানে গোপীদের প্রেম রূপী বৃষ্টি যেখানে হচ্ছে যে প্রেম রূপী বৃষ্টিতে কৃষ্ণ স্বয়ং পরাৎপর তত্ত্ব হয়ে ও তাদের সেই প্রেম রূপী সমুদ্র যিনি নিবজিত হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এর নাম হলো বরসানা এই জন্য নারদ তিনি ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেন বলে বাবা
তুমি এই ব্রজেতে এই পাথর রূপে 60,000 বছর কেন জন্মগ্রহণ করলে, তুমি কেন তপস্যা করলে? নারদ প্রশ্ন করছে। তখন ব্রহ্মা বলছেন, ছেলে এই যে ব্রজ গোপীরা না, তারা কোন মেয়ে ছেলে নয়। বলে তারা কে? বলে তারা হলো আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাদি, তারা হলো রাধারানীর কায়ব্য স্বরূপিণী। অতএব এখানে পাথর জন্ম নেওয়া কোন সাধারণ ভাগ্য নয়। এই জন্য এনার হৃদয়ের মধ্যে সেই ব্রজ রসের ভাব আছে। এই জন্য শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি ব্রহ্মার একদিনে তিনি একবার তিনি এসে সেই দুর্লভ প্রেমকে, যে অনর্পিত চরিচিরাত প্রেমকে, যে প্রেমকে দিতে চাইছেন, সেই ব্রহ্মার হৃদয়ের মধ্যে সেই ভাবটি আছে। এই জন্য শ্রীমন মহাপ্রভু তিনি এই কি করলেন, তিনি ব্রহ্ম মাধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই জন্য এখানে বলছে ব্রহ্মেশ্বরাদি সুদুরূহ পদার বিন্দম, যে রাধারানীর চরণ হলো ব্রহ্মার জন্য দুর্লভ, শিবের জন্য দুর্লভ, আদি মানে উদ্ধব আদি নারদ আদি এদের জন্য সেই রাধারানীর চরণ দুর্লভ। এপর্যন্ত বলছেন ব্রহ্মেশ্বরাদি, স্বরাদি মানে যে আদি ঈশ্বর যে কৃষ্ণ, যখন রাধারানী তিনি মান করেন, ওই মানকে ভঙ্গ করার জন্য হ্যাঁ কৃষ্ণ স্বয়ং তিনি সেই রাধারানীর সঙ্গে যখন মিলিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন, জন্যও রাধারানীর চরণ দুর্লভ। এই জন্য এই বনের নাম হলো গৌহর বন। আমরা যখন ক্রস করলাম না, ওই বনের ওই জায়গার নাম ছিল রঙ্গিলি গলি। রঙ্গিলি গলি মানে কি, কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে যেখানে রং খেলতেন, হোলি খেলতেন। বলছে না, আজ বিরজ মে হরি রে রসিয়া, হরি রে রসিয়া বর চোরি রে রসিয়া, আজ বিরজ মে হরি রে। অতএব যেখানে রাধারানী তিনি গুলাল রং দ্বারা তিনি কি করতেন, কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ তার মধ্যে তিনি ডুবে দিতেন। কৃষ্ণ তিনি কি করতেন, সেই গুলাল রঙের মধ্যে শ্রী রাধা রানীকে তিনি ডুবিয়ে দিতেন। মানে কি গুলাল রং কি, বলে গুলাল রং না, এটা হলো অনুরাগের প্রতীক, অনুরাগের প্রতীক। এই জন্য ওর নাম হলো রঙ্গিলি গলি। এখানে যে পর্বত উপরে আমরা বসি আছি, এটা হলো বিষ্ণু পর্বত, আর ওইটা হলো রাধা পর্বত, ওইটা হলো ব্রহ্মাচল পর্বত, এটা হলো বিষ্ণু পর্বত। যেরকম দেখুন বিষ্ণু যেরকম কালো, কৃষ্ণ যেরকম কালো না, দেখুন এই যে পর্বতের রংটি হলো কালো, রাধারানী যেরকম সাদা, দেখুন ওই পর্বতটি দেখতে সাদার মতো, ওই পর্বতটি হলো সাদার মতো। এখানে প্রশ্ন, হ্যাঁ উমাদিদের মতো, এই জন্য তীর্থমাহাত্ম বলছেন ওই দিকে মেয়েরা সব বসে আছে না, গরি গরি মেয়েরা, এই জন্য উমাদিদি বসে আছে। এই জন্য যেরকম গোরা যেরকম সাদা, ওই পাথরের রঙ হলো সাদা, আর এইদিকে তীর্থমার যেরকম কালো আছে। আর আমাদের নারসিংহ মহারাজকে দেখুন, আমাদের মাধব মহারাজ একটু সাদা আলাদা, গোবিন্দ মহারাজ একটু সাদা আলাদা, আর এইদিকে হলো বন মহারাজ আমাদের মধ্যে কালো। এই জন্য আমরা 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 এইদিকে বসে আছি। এই জন্য এখানে আছে হরে কৃষ্ণ। আমি শুনো, দু মিনিট শুনলো, अभी ये प्रश्न होता है, कभी ये जो रंग इसका जो काला है, कभी ये विष्णु पर्वत पर कालो केनो, अरे तिनी विष्णु तिनी, कभी ये विष्णु क्यों ये पर्वत का रूप धारण किया है, कभी ये सनक संहिता में ये वर्णन आता है। एक समय महाविष्णु को पास में श्री अनंत देव गए, बोले प्रभु हम वृंदावन में प्रवेश करना चाहते, वृंदावन में प्राप्त करना चाहते हैं। स्वयं महाविष्णु कहते हैं, बोले वृंदावन, वृंदावन धाम कौन साधारण धाम नहीं, जहाँ पर स्वयं लक्ष्मी तपस्या कर रही है, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, जो स्वयं शंकर जी, कहते यहाँ पर उद्धव जी भी तपस्या कर रहे हैं, ये ब्रज में प्रवेश करने के लिए इतनी आसानी बात नहीं। बोले फिर स्वयं विष्णु कहते हैं, मैं स्वयं महाविष्णु होकर के भी वो ब्रज में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारी क्या बात है, हाँ तुम्हारी क्या बात है। बोले भैया फिर प्रवेश कैसे होगा, बोले एक आसन उपाय हो। बोले वो उपाय क्या है, बोले जब तक गोपियों की अनुगत्य नहीं करोगे ना, बोले तब तक ये ब्रज में प्रवेश नहीं होगा, लेकिन ये गोपियों का अनुगत्य भी साधारण बात नहीं। बोले फिर, बोले सबसे एक सरल उपाय है वही ब्रज प्रेम को देने के लिए। अभी श्री सचिनंदन गौर हरि श्री नवद्वीप में जन्म ग्रहण करके आज चंडाल वो गोपी प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। अगर पाना चाहे तो क्या करो, तुम जा करके श्री नवद्वीप धाम में जाओ और जा करके वहीं पर परिक्रमा करो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, और वहां का धूल गोबर लोट पटो खाओ,
पाओगे ना आसानी से ही वो गोपी प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो लोग नवद्वीप नहीं गए अभी से ही नवद्वीप जाने के लिए टिकट काटा दो नवद्वीप, क्योंकि नवद्वीप जब तक नहीं जाओगे ये स्वयं महाविष्णु कहते हैं ये गोपी प्रेम इतने आसानी में पाने वाले नहीं, ब्रह्मा शंकर के लिए भी दुर्लभ। लेकिन सबसे सरल उपाय श्री नवद्वीप में जो जा करके परिक्रमा करेगा अपनी आप वो प्रेम की प्राप्ति होगी। ए जे गलती देख लें एर नाम होला साकरी घोर, साकरी घोर माने साकरी अर्थ हो पतला, घोर अर्थ होला रास्ता। ए रास्ता ते देखो जखन जाबेन ना देखें एक व्यक्ति छाड़ा दू जन व्यक्ति एर मध्ये जेते पारबे ना। एर अर्थ की एर अर्थ होलो बोले प्रेम गली अति साकरी ताहे ना दोय समय, माने कि यदि सही कृष्ण प्रेम के पेते जाओ एक मन तार उपासना करता हवे, एक मन ताके भजन करता हवे तबे तुम्ही सही प्रेम ताके पेते पारबे। एजने इखाने कृष्ण सखा देर संगे एखाने गोचारण करते आस्ते एक दिन सखा देर खीते लेगे छे बोले गोपाल एकटू खावा दार व्यवस्था करबे, बोले आसो अमर संगे। कृष्ण एखाने एसे गेछे एकटी गोपी दूध दही लिए, हां दूध दही लिए जाछिलो कृष्ण एखन की कर जो एर ऊपर उठे ना एकटी पाथर लिए छे पाथरटा लिए मेरे छे ओई पात्रेर मध्ये, हां हाड़ी पात्रेर मध्ये आर भेंगे किए गोपी तो दूध दही ते स्नान कर लिए छे। आर ओ किए राधा रानी के बोले छे, राधा रानी बोले छे देखो काल की हमारा तो तेरे मजा चखावो। एक जने एकदम एक आने से चार दिगे घिरे किए छे आबार जो कोन कृष्ण हेसते ना हुई चले मेरे छे जो कोन मेरे छे चार दिगे दिए गोपीरा घिरे किए छे, घिरे किए कृष्ण के धरे और ऊपरे वही हाड़ी कल से रेखे ओके लहंगा चुंदरी पड़ी एक ही कर छे एटी गोपी वही पहाड़ मेरे छे जगन मेरे छे कृष्ण पूरा स्नान कर लिए छे बोले आर करबे आर सखा देर टिक्की गुलो ना गाछे बेंदे दिए छे हाथ गुलो गाछे बेंदे दिए छे ओरा बोल छे हमारा किछु जाय ना हमारा लीडर होलो कृष्ण, बोले कृष्ण तखन कृष्ण के एकाने ऊट बस करिए छे अतएव तिनी परात्पर तत्व है तिनी गोपी देर प्रेमे किभावे तिनी बसीभूत एकाने होई गेछिले। एई जने एई स्थान टी होलो अत्यंत दुर्लभ स्थान हमारा गुरु वैष्णव तेरे कृपाए एखाने एसेछी एखाने प्रणाम करबो आर सही प्रज भक्ति एक दिन जाते सही राधा रानी रे अनुगते गुरु वैष्णव रे अनुगते श्याम सुंदर रे सेवा पेते बारी एखाने प्रार्थना करबो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोले श्री साकरी घोर की हरे कृष्णा हरे कृष्णा अरे कृष्ण सुन बैठिए और गिरिधारी गिरिधारी माइक इधर घुमा दो इधर घुमाओ। हरे कृष्णा अंडर गाइडेंस ऑफ गुरु एंड वैष्णव हरी असेंबल कॉल साकरी खोर, साकरी मीन्स नैरो खोर मीन्स पैसेज तो यू हैव हार्ड अबाउट दिस फर्स्ट टाइम आफ्टर यू गो टू चिक्सोली, चिक्सोली द प्लेस ऑफ चित्रा देवी, चित्रा देवी सो वन ऑफ एट प्रोमिनेंट सखी सब श्रीमती राधिका जिसका नंबर इन्हें परे बोलो छेड़े दी जो उठा माइक भाई उठा बाद में बोलेंगे लो उठ गए चलो माइक का बल का सब उठाओ गिरे वो ऐसे रोड पे ऐसे थोड़ा एकदम से समेटा जाता है सब खाना पड़ता है सामान छोट माटी खून चल रहा है Thank you.
भक्ति के निकल के निकले हैं। राधे 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 जय 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 श्री राम। राधे 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 जय जय श्री राम। धक्का मत दीजिए एक दूसरे को। ¡Gracias!